अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है, अगर वो टिश्यूज में कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। इसी तरह एक और टर्म है एनोक्सिया, जिसका मीन है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले ये टर्म यूज़ की जाती थी, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाए, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रहती है, इसलिए ये टर्म अब यूज़ नहीं की जाती और हाइपोक्सिया टर्म यूज़ की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो कि हाइपोक्सिया को काज करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन टेंशन इन आर्टेरियल ब्लड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, वेलोसिटी ऑफ ब्लड, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। अब ये इन फैक्टर की बेसिस पे जो हाइपोक्सिया है उनको क्लासिफाई किया गया है। उनमें हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टेजनेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। अब ये जो हाइपोक्सिया है, या तो ये एक्यूट होगा या फिर क्रॉनिक होगा। एक्यूट होगा कि शॉर्ट पीरियड पे अपेयर हो जाएगा और बहुत सवेर होगा हाइपोक्सिया, या फिर कम सवेर होगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। अब किसी एक वक्त के अंदर दो या इससे ज़्यादा जो हाइपोक्सिया की जो टाइप्स हैं ये हो सकती हैं। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, इसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, इसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं, या फिर इसे आर्टेरियल हाइपोक्सिया भी कहा जाता है। अब इसकी जो काजेज हैं वो फोर काजेज हैं इसकी। उसमें लो ऑक्सीजन टेंशन इन इंस्पायर्ड एयर विच डज नॉट प्रोवाइड एनफ ऑक्सीजन। अब जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन ली जा रही हो, अगर वो कम हो जाए, अगर वो कम होगी तो लंग्स में ऑक्सीजन कम जाएगी और लंग्स से ब्लड में भी कम जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसी तरह जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी वजह से जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से जो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्प्शन है एल्वियोलाई में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन कम होगी और ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स में, और जो ऑक्सीजन है उनकी जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है। इस ये जो पॉइंट है नंबर टू वाला पॉइंट, इसके अंदर जो डिक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन के जो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड निकल नहीं रही, प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं रही। इसके अलावा नंबर फोर पे कार्डिक डिसऑर्डर्स, इसके अंदर जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पाता प्रॉपर, यानी जिस जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, हार्ट ब्लड को पंप प्रॉपर नहीं करेगा, इसकी वजह से जो ब्लड है वो उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो भी कम हो जाएगा, और उसने आगे जो टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन वगैरह ऑक्सीजन देनी है वो भी कम हो जाएगी। एनीमिक हाइपोक्सिया है, इसके अंदर जो ब्लड के अदर इनएबिलिटी हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कम हो गई है, रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की है वो भी कम हो गई है। एनीमिक हाइपोक्सिया, इसके अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है वो तो नॉर्मल होती है, ऑक्सीजन तो अवेलेबल होती है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की है RBC के कम होने की वजह से वो कम हो जाती है। अब ये कुछ इसकी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया होता है। उसमें रेड ब्लड सेल का अगर कम हो जाए, रेड ब्लड सेल की क्वांटिटी कम हो जाए, इसके अलावा हीमोग्लोबिन इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, या फिर जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है वो प्रॉपर ना हो, हीमोग्लोबिन नॉर्मल उसकी फॉर्मेशन ना हो, तो इस वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो कम्बिनेशन है वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और गैसे से अगर इसकी कम्बिनेशन हो जाएगी तो उससे भी एनीमिक हाइपोक्सिया हो सकता है। अब एनीमिक हाइपोक्सिया, इसमें सिर्फ जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं।
स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इसको हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया भी कहा जाता है। अब इसकी जो काजेज हैं उसके अंदर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, हेमरेज, सर्जिकल शॉक, वैसोस्पैम, थ्रम्बोसिस, एम्बोलिज्म, ये इसकी काजेज हैं। अब ये कार्डिक फेलियर है, हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन ना करो, उस पर प्रेशर वगैरह आया हो तो उसको कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर कहते हैं। इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो फिर जो है ये विलास्टियो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा हेमरेज है, अगर कहीं ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो फिर जो हार्ट को ब्लड कम पहुंचेगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। सर्जिकल शॉक है, सर्जिकल शॉक इस तरह के सर्जरी करते हुए कोई अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उससे भी ये स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके अलावा वेजोस्पांस में, इसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और इसको कंडीशन को वेजोस्पांस कहते हैं। थ्रम्बोसिस, ब्लड क्लाट हो जाता है किसी ब्लड वेसल्स के अंदर जो कि ब्लड की वेलोसिटी को कम कर देता है। अब ये ब्लड क्लाट वहाँ से डिटैच होके किसी और जगह पे जाएगा तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं, वो किसी और जगह पे जाके ब्लड वेसल को किसी और एरिया में ब्लॉक कर देता है। अब ये इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो ये ब्लड की वेलोसिटी है, ये ब्लड फ्लो कम हो जाता है, लेकिन बाकी फीचर नॉर्मल रहते हैं। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, इसके अंदर जो इनएबिलिटी ऑफ टिश्यू यूटिलाइज वो कम हो जाती है, जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, वो जो ऑक्सीजन है वो तो नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद है लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी। यूटिलाइजेशन कम होगी, ऑक्सीजन नॉर्मल क्वांटिटी में है तो ये टिश्यू जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन को ले नहीं सकेगा। अब ये इसकी जो काज है वो जैसे साइनाइड एंड सल्फाइड पॉइजनिंग वगैरह होती है। अब ये जो सेलुलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके अलावा जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम होता है उसको पैरालाइज कर देते हैं। अब ऑक्सीजन तो नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद है लेकिन जो टिश्यू है वो उसकी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको यूज़ कर सके, क्योंकि उसका जिस मैकेनिज्म के तहत उसने इसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना था तो वो उसका मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो यही है कि ये ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन टिश्यू उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस जो हाइपोक्सिया होता है इसमें अदर जो फीचर्स हैं वो तो नॉर्मल होते हैं लेकिन टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता।